आज मैं बनाऊंगी करेला और चना की सब्जी। करेले और चने की सब्जी तो बहुत लोग बहुत बार खाए भी होंगे और बहुत लोग को पता भी नहीं होगा कि करेला चना एक साथ बनता है। तो मैंने देसी चना लिया है। देसी चना को मैंने 5 से 6 घंटा भिगा दिया है और चना मैंने आधा पाव लिया था। तो चना आप देख सकते हैं, चना अच्छे से भीग चुका है और चने को मैंने धो के एक कटोरी में रख लिया है। और 1 पाव करेला है, करेले को भी मैंने इस तरह से काट लिया है। करेले को हमने पतला पतला ही काटा है। और 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, प्याज को भी पतला पतला काट लिया है। और 5 से 6 हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी हमने कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से काटा है। तो आइए हम इसको बनाने की तैयारी करें। सब्जी फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में हम इस बार 3 चम्मच भर के तेल डालेंगे, क्योंकि करेला है और करेला को भूनने के लिए हमको तेल चाहिए। तेल हमने 3 चम्मच लिया है। तेल को सबसे पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम करेले को फ्राई कर लेंगे। करेले को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, करेले को हमने 1.5 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसी समय हम इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे और हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि करेले के अंदर का जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए और करेले के अंदर अमचूर और नमक का अच्छे से स्वाद चला जाए। अब हम इसको 2 मिनट और अच्छी तरह से तेज आंच में ही भूनेंगे। देखिए, हमको 3 से 4 मिनट करेला फ्राई करते हो चुका है और आप देख सकते हैं करेला हमारा हल्का ब्राउन हो गया है और करेले से तेल भी अलग होने लग गया है। इसी समय हम करेले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने करेला फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है और ये बचा हुआ तेल है। इसी तेल में हम 1 चम्मच और तेल डालेंगे और तेल को हम पहले गर्म होने देंगे। 1 चम्मच जीरा, फिर प्याज, अब हम इसको थोड़ी देर पहले अच्छे से भून लेंगे। हम प्याज को तेजी आंच में भून लेंगे। देखिए, प्याज को हमने हल्का ब्राउन किया है। अब इसी समय हम हरी मिर्च डाल देंगे। इसको भी हम हल्का ही फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें चना डाल देंगे और चना डाल के हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। देखिए, हमने 3 से 4 मिनट चने को अच्छे से भून लिया है। अब इसी समय हम कुछ सूखे मसाले इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी, हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे क्योंकि नमक हमने करेले में भी डाला है, और लाल मिर्च भी हम तीखा के हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है, इसलिए मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे। अभी सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि चना हमारा अच्छे से भुन चुका है, तभी चने के साइड से तेल छोड़ रहा है। देखिए, अब हम मसाले को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 से 1.5 मिनट हमने धीमी आंच में अच्छे से भून लिया है। अब इसी बीच में हम टमाटर डालेंगे। तो टमाटर मैंने 4 से 5 टमाटर को काट के रखा है। हम पहले बीच में यहाँ जगह बना लेंगे। टमाटर हम यहीं पर डालेंगे। और हम ऊपर से चने से इस तरह से ढक देंगे। और ऊपर से हम करेले को भी डाल देंगे और 1 मिनट हम इसी तरह से अच्छे से पकने देंगे।
ऊपर से हम ढक्कन बंद कर देंगे, एक मिनट बाद हम खोल के देखेंगे। देखिए एक मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन खोलेंगे और ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए टमाटर भी हमारा आधा गल चुका है, अब हम इसको तेज आंच में 2 से 3 मिनट इसी तरह से अच्छे से भूनेंगे। देखिए अभी टमाटर का पानी है, तब तक के टमाटर के पानी में हमारा चना भी अच्छे से पक जाएगा और करेला भी अच्छे से हमारा पक जाएगा। अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसी तरह भून भून के पकाएंगे। देखिए हमने 3 से 4 मिनट करेले और चने को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि चना और करेला हमारा अच्छे से पक चुका है और आप देख सकते हैं कि साइड में चना और करेला से तेल निकल रहा है, देखिए। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट और भूनेंगे और टमाटर भी आप देख सकते हैं, टमाटर भी अच्छे से पक गया है, करेला भी पक गया है और चना भी पक गया है। हम 1 मिनट इसको और भून लेते हैं। देखिए दोस्तों सब्जी हमारी अच्छे से बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसी समय गैस बंद कर देंगे, फिर मैं आपको सर्व करके दूँगी। हमारा करेला और चना की सब्जी बनके तैयार है। इसको आप दाल चावल के साथ और रोटी के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं और ये बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको इस तरह से मेरा करेला और चना बनाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक बार अपने घर में इस तरह चना और करेला ज़रूर बना के देखिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।